फ्रेंड्स, ifactner.com के लर्न इंग्लिश विद किड्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट नंबर 9 में हम सीखेंगे इंग्लिश के 30 सेंटेंसेस जो हम अपने बच्चों के साथ आम जिंदगी में बोल सकते हैं। आखिर में करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसकी वजह से आपकी जो इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो काफी बेहतर होंगी। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी, हरी अप, गेट रेडी, हरी अप, जाओ और नहाओ, गो एंड टेक अ बाथ, गो एंड टेक अ बाथ, झूठ ना बोलो, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, जब छींक आए तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया करो, कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज, कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकती। बच्चा कहते हैं अम्मी मुझे होमवर्क बेसिकली आप करके दें, तो आप कहेंगे आई विश आई कुड हेल्प यू, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, ये तुम्हें खुद करना है। आई विश आई कुड हेल्प यू। केले को खाने से पहले छील लो, पील ऑफ द बनाना बिफोर ईटिंग, पील ऑफ द बनाना बिफोर ईटिंग, वॉश द एप्पल बिफोर ईटिंग, सेब को खाने से पहले धो लो। कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है, विच कार इज द बेस्ट, विच कार्टून करेक्टर इज द बेस्ट, विच कार्टून करेक्टर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कार्टून करेक्टर पसंद है। खिड़की को बंद करो, शट द विंडो, शट द विंडो, शट द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, यानी के खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो। खुशबू से अंदाजा लगाओ, अम्मी क्या पकाया है, खुशबू से अंदाजा लगाओ, गैस फ्रॉम एरोमा, गैस फॉर एरोमा, गैस फ्रॉम एरोमा, आई हैव कुक्ड योर फेवरेट फूड। खत्म हो गया है, टीवी बंद कर दो, यानी कि बच्चे ने कहा कि बस एक कार्टून और देखूंगा, कार्टून खत्म हो गया, तो आप कहेंगे इट्स ओवर, टर्न ऑफ द टीवी, इट्स ओवर, टर्न ऑफ द टीवी। क्या बकवास है यार, व्हाट अ नॉनसेंस, बच्चा कोई ओंगियां बोंगियां जिद सी मार है, तो आप कहेंगे व्हाट अ नॉनसेंस। क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या मैं तुम्हारी बुक चेक कर सकती हूं, मे आई चेक योर बुक, मे आई चेक योर डायरी, मे आई चेक योर रफ वर्क, मे आई चेक योर होमवर्क, मे आई चेक योर क्लास वर्क, मे आई चेक योर बैग, तो बच्चे से इजाजत लेते हुए आपने मे का वर्ड यूज करने। क्या मैं तुम्हारे घर के काम वाली डायरी चेक कर सकती हूं, मे आई चेक योर होमवर्क डायरी, मे आई चेक योर होमवर्क डायरी, क्या तुम एक मिनट के लिए बैठ सकते हो, कैन यू प्लीज सिट डाउन फॉर अ मिनट, कैन यू प्लीज सिट डाउन फॉर अ मिनट, आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चा इधर उधर भागी जा रहा है,
और आप देख नहीं सक रहे तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज सिट डाउन फॉर अ मिनट. क्या तुम अपनी अम्मी से प्यार नहीं करते करती? बेहतर यह है कि आप डोंट के बजाय यहां पे यूज करें डू यू नॉट लव योर मॉम, क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में हम डोंट नहीं यूज करते बल्कि डू यू नॉट, डू आई नॉट यूज करते हैं. डू यू नॉट लव योर मॉम? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूं? डू यू वॉन्ट मी टू डू इट फॉर यू? और अगर ये आपने पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये करूं, तब आप पूछेंगे डू यू वॉन्ट मी टू डू इट विद यू. लेकिन यहां पे तुम्हारे लिए ये करूं तो आप कहेंगे डू यू वॉन्ट मी टू डू इट फॉर यू. क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? डू यू वॉन्ट मी टू गो विद यू? डू यू वॉन्ट मी टू गो विद यू? या फिर डू यू वॉन्ट मी टू एकम्पनी यू? एकम्पनी साथ जाना, कंपनी करना. क्या तुम चाहते हो कि मैं ये बुक पढ़ के सुनाऊं? डू यू वॉन्ट मी टू रीड दिस बुक? Do you want me to read this book? क्या तुम चुप कर सकते हो? Can you please be quiet? बजाय इसके कि बच्चे को कहें shut up, अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छा सेंटेंस है. Can you please be quiet? क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? Do you want to eat something? Do you want to eat something? क्या तुम मेरी गोद में बैठना चाहते हो? Do you want to sit on my lap? Do you want to sit on my lap? क्या तुम मछली और चिप्स खाओगे? ये खाना चाहते हो? Do you want to eat fish and chips? Do you want to eat fish and chips? क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? बच्चे के पास गाड़ी है, बड़ा हो गया है, तो आप पूछेंगे कैन यू पिक मी अप? कैन यू पिक मी अप फ्रॉम योर आंट्स हाउस? क्या तुम अपनी आंटी के घर से मुझे पिक कर सकते हो? क्या तुम मुझे अपनी आंटी के घर ड्रॉप कर सकते हो, सकती हो? कैन यू ड्रॉप मी एट योर आंट्स हाउस? कैन यू ड्रॉप मी एट योर आंट्स हाउस? क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? Have you completed your task? क्या तुमने अपना खाना खत्म कर लिया है? Have you finished your food? Have you finished your food? क्या तुमने रिसेस में अपना लंच खाया? Did you eat your lunch during the recess? Did you eat your lunch during the recess? Did you eat your lunch at school? क्या तुम प्यासे हो? Are you thirsty? Are you thirsty? क्या तुम सोना चाहते हो? Do you want to sleep? Do you want to sleep? क्या तुम सबको अपने बारे में बताना चाहोगे? Would you like to tell everyone about yourself? Would you like to tell everyone about yourself? Ladies and gentlemen, thank you very much कि आपने मुझे इस ifactner.com के ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया. एक्सरसाइज के तौर पे आपने सिर्फ एक ऐसा सवाल जो आप अपने बच्चे से कर सकते हैं इंग्लिश में,
वो लिख के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पेस्ट कर देना है। अगर तो वो ठीक होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगा और इससे आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होंगी। ये ट्यूटोरियल आप ifactner.com पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए आप facebook.com/ifactner का यूज कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स को यूज कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फेसबुक पे शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।